हेलो फ्रेंड, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। ये फ्रेंड देखो, ये जामा है, ये जामा, ये स्कूल को बोलते हैं यूनिवर्सिटी। तो उसके अंदर ये पार्किंग है, अभी छुट्टी चल रही है इसी वजह से जो है ये फुल नहीं है, नहीं तो ये फुल रहती, इसमें खड़ी करने की जगह नहीं रहती, मसला ये है। ठीक है, ये जो हैंडीकैप जो बना हुआ है, इस हैंडीकैप के लग खड़े रहो, खड़ी करोगे गाड़ी तो मुखालफा आ जाएगा। ठीक है, ये देखो कितनी बड़ी पार्किंग है, यहाँ से निकलना है, लिखा हुआ है एग्जिट टू। देखो कितना बेहतरीन गार्डन वार्डन बना है। गाड़ी मेरी बिगड़ गई थी तो बन के आई हुई है। ये बज रहा है 3:21। मुझे निकलना ये गेट से, लेकिन मैं जा रहा हूँ 4 नंबर गेट से, उसमें भी रीजन है। रीजन ये है कि रोड अगर फुल रहता है तो नहीं जाए। ये देखो यूनिवर्सिटी है, जो इमाम सऊद यूनिवर्सिटी नाम है। चौबीस घंटा ओपन रहता है, ये देख सकते हो आप लोग। सामने देखो ममलिका टावर दिख रहा होगा। ये पार्किंग देखो कितनी बेहतरीन बनी हुई है। मैं आया हूँ कुछ देखने के लिए, वो है कि नहीं है ये देखने के लिए आया हूँ। यही रोड, ये रोड है। ठीक है, ये रोड देखने के लिए आया था, अभी देख लिया हूँ, अभी जा रहा हूँ उसी रोड से निकलूँगा जिस रोड से वीडियो बना रहा था, दिखा रहा था। देख लिए, देखो बिल्डिंग कितनी दूर दूर दिखाई दे रही है, सारी बिल्डिंग। इस यूनिवर्सिटी का नाम है इमाम सऊद। रियाद में सबसे बड़ी जो ये स्कूल है, ये सबसे बड़ा स्कूल है। ये गेट बना हुआ है, 5 साल पहले मैं इसी गेट से वीडियो बनाया था एक, फिर उसके बाद छोड़ दिया था, नहीं बनाया था। अगर कंटिन्यू बनाया होता तो आज मैं बहुत दूसरी मुकाम पे पहुंचता। ये देखो सामान उठाने वाली मशीन है, जीजीपी।
यह अमीर तुर्की रोड है। तो बता रहा था कि मैं 5 साल पहले जो वीडियो जो बना रहा था इसी रोड से, तो बनाने के बाद मैं छोड़ दिया था। मतलब ज़्यादा इंटरटेनमेंट में जो है दिल लग गया, गाना साना देखने में, बनाने में और बातचीत करने में, तो मैं वीडियो नहीं बनाता था, बहुत कम बनाता था। तो अगर मैं 5 साल पहले ही जैसे बना रहा था वीडियो वैसे अगर बनाया होता तो आज ज़्यादा दिक्कत की सामना नहीं होता, ज़्यादा दिक्कत नहीं करना पड़ता। ये देख लो, ये जो है ये भी नया बना हुआ है मेरे सामने ही, पूरा खाली था एकदम। वो चीज़ करने में अच्छा लगता है जिसमें जो है मज़ा आता हो करने में। अभी यही वीडियो वीडियो अगर 20,000-25,000 पब्लिक अगर देखे तो बहुत अच्छा लगेगा वीडियो बनाने में और डालने में। 100 लोग 150 लोग देखते हैं, इसी वजह से मज़ा नहीं आता बनाने में। ये देख लो, ये सारा है, ये सब मेरे सामने बना हुआ है, जो पुल उल बना हुआ है ना जिसके नीचे मैं यूटर्न कर रहा हूँ, ये सब जो है पहले रोड था, ये सब अभी इधर बड़ा बड़ा सब बन गया एकदम। ये देखो पुलिस की गाड़ी है जो जा रही है, वो जो चला रहा है वही गाड़ी मेरी है, लेकिन वो पुलिस की है और ये तो मेरी है। यहाँ पे देखो दुकान उकान देखो कितनी अच्छी लग रही है। यही है सऊदी का, यही सब नियम है। यही जिंदगी है सऊदी की। ये देखो कॉफी शॉप है सामने, यहाँ पे सब अपने काम से काम रखता है, किसी से फालतू बकचोदी नहीं करेगा। अभी एक कैमरा आएगा जो इंडियन 20-22 हज़ार रुपया ले कर चला जाता है वो मोबाइल पे वीडियो बनाने के लिए। अभी मैं रख देता हूँ नीचे मोबाइल, ठीक है, फिर जब चला जाएगा तो फिर बनाऊँगा। हाँ तो वो चला गया, हाँ फिर वीडियो ऑन कर दिया। देखो यहाँ पे कितना बेहतरीन रोड लगता है, क्योंकि अभी बनारस और आजमगढ़ से बनारस जाओ रोड तो ठीक बना हुआ है, लेकिन ना ही फुलवाड़ी लगी हुई है ना ही लाइट लगी हुई है। और अभी आजमगढ़ से मुंबई जाओ तो ना ही कुछ लगा हुआ है। तो अगर ऐसा रोड रहेगा तो चलने में भी अच्छा रहेगा और देखने में भी अच्छा लगता है। ऐसा रोड बहुत कम मिलता है देखने के लिए। सरकार जो है ना चोर है, कुछ काम करना नहीं चाहती। ये सरकार को देखो, जैसे देखो बीच में फुलवाड़ी लगी हुई है ना, ये कितना अच्छा लग रहा है। ये एक ही रोड पे नहीं है, ये सऊदी के अंदर जितना रोड है सब रोड पे ऐसा मिलेगा। खजूर का पेड़ है, फुलवाड़ी है और एकदम साफ सुथरा रोड मिलेगा, कोई गंदगी नहीं। देखो सब अपने काम से काम रख रहे हैं, मतलब रख रहे हैं। सब गाड़ी इधर से जा रही है, उधर से गाड़ी आ रही है और किसी को नहीं मालूम है कौन कहाँ जा रहा है। सब अपना अपना काम कर रहा है। ये सब रेडीमेड बना हुआ है जो सामने जो बना हुआ है। तो दोस्तों देखो ये भीड़ लगी हुई है, इशारा पे जो गाड़ी है इशारे की वजह से भीड़ लगी हुई है इधर।
अगर सब लोग साइड साइड से चले ना तो भीड़ लगे ही नहीं। ये भीड़ जो लगी हुई है ना, ये सारे की वजह से लगी हुई है। पिक्चर में देखते हो गए ये वाली गाड़ी जो सामने जीएमसी लिखी है, यही दौड़ाते हैं लोग, हनगन हनगन दौड़ा के एकदम टायर और फाड़नाते हैं। यहाँ पे गरीब लोग लेके चलते हैं गाड़ी का। ये जितना रेस्टोरेंट दिख रहा है ना राइट साइड में, ये सब जो होटल है। और वो सामने जो दिख रहा है वो पंडा है, पंडा समझ में आया। ये देखो इसी एरिया में मैं 5 साल निकाला हूँ, अभी तो दूसरा एरिया में मैं रहता हूँ, ये एरिया छोड़ दिया। चलो दिखाई देता हूँ अपना घर जो पहले घर में था 5 साल। ये देखो मस्जिद है। और मेरी किस्मत ऐसी है, इतनी अच्छी है कि पूछो मत। जिस एरिया में मैं रहता था उसी एरिया में मुझे फिर से दूसरा घर मिल गया। देखो ये काम कर रहे हैं सब, फुलवाड़ी वाड़ी छिनगा रहे हैं जो है। यहाँ पे देखो गार्डन बनेगा, पहले खंजर था, हम लोग इधर आते थे वीडियो बनाने के लिए। यहाँ पे गार्डन बनेगा जिस तरीके से इधर पोस्टर में लगा हुआ है ना, उसी तरीके से बनेगा। ये एक दोस्त का रूम है, देखो घर ऐसे ही रहता है सऊदी लोगों का, इतना बड़ा बड़ा। एक सामने घर ये है, कितना बड़ा है देखो, आखिर से स्टार्ट होगा वहाँ आखिर तक खत्म होगा। जब ये गार्डन बन जाएगा तो अच्छा लगेगा। और देखो वहाँ पे जहाँ ट्रेला खड़ा हुआ है वहाँ पे भी हम लोग वीडियो बनाते थे चढ़ के ऊपर। और इस घर की इधर भी वीडियो बनाए हुए हैं, जो ये गाड़ी खड़ी है, खजूर का पेड़ है। वीडियो क्या है ना अच्छी बनती थी, इधर जो पेड़ ओड़ है ना ये तो साफ आती थी वीडियो, फिल्टर उल्टर लगा दिया जाता था तो बेहतरीन बनती थी। ये जसविंदर का घर है जो योनट खड़ा हुआ है, ये देखो। और ये है मस्जिद, और वो जो सामने बना है ना पूरा खाली मैदान था, अभी नया नया बन रहा है, लूलू मॉल बन रहा है वो। और देखो यही घर था मेरा जो सामने वाला घर है, यही घर था। और ये गाड़ी थी मेरी खड़ी, ये देखो यही गाड़ी चला रहा था। और ये रूम है देखो, ये एरिया बहुत पुरानी एरिया है, जानी पहचानी एरिया है। ये गेयर देखो इधर हाथ से लगता है, ऐसे एन पे कर दो और रिवर्स हो गया। यहाँ पे गाड़ी चलाना बहुत ही आसान है। ये देख लो यही घर था पहले, और यहाँ पे हम लोग वीडियो बनाते थे पूरा एकदम। और 5 साल पहले जब आए थे तो ऐसे जैसे वीडियो बना रहे हैं आज यूट्यूब पे बना के डाल रहे हैं वैसे ही। वो खालिद भाई घर है सामने उधर, जैसे ये वीडियो बना रहे हैं वैसे अगर 5 साल पहले ही मतलब वीडियो बनाते थे जैसे ये बना रहे हैं ना, वैसे रोज़ अगर बनाते वीडियो ना
तो आज ये गाड़ी जैसे चला रहे हैं ना, वैसे चलाने की ज़रूरत नहीं होती। फिर इंडिया में ही वीडियो बनाते हैं और इंडिया में ही रहते हैं। ये देखो व्हाइट हाउस, यहाँ भी देखो कितना बड़ा घर है। ये काम जो है ना, ये अगर 30 के 30 दिन करोगे तो फायदा है, वीडियो बना के यूट्यूब पे डालने वाला। मगर जब पब्लिक देखेगी तभी वीडियो बनाने का फायदा रहता है। ये देखो उसका घर है, शरीफ का। सो रहे होंगे सब लोग, काम वाम नहीं है ना, आराम की सैलरी लेते होंगे सो के। ये देखो वो गिर रहा है। जो खाया जाता था पहले, पता नहीं क्या उसको बोलते थे, भुला गया, नाम भी नहीं मालूम। देखो फुलवाड़ी कितनी अच्छी लग रही है। अभी यही आईफोन होता तो और अच्छी वीडियो बनती। बहरहाल ये देखो फ़ोन है, दूसरा नया फ़ोन है, इसमें सिर्फ मैडम का कॉल आता है बस। ये देखो गाड़ी है मेरी, देख लो कितनी साफ सुथरी गाड़ी है। देखो ब्रेक है, ब्रेक को दाब के गियर को लगाना है, ठीक है। ब्रेक को दाब दिया, गियर को लगा दिया। अब ब्रेक को जो है छोड़, ये हैंड ब्रेक है साइड में, ऐसे दबा के छोड़ूंगा छूट जाएगी हैंड ब्रेक। जो गाड़ी चलाता है उसको मालूम होगा हैंड ब्रेक क्या है। ये देखो डी पे लगा दिए, गाड़ी चलने लगी। ये देखो और ये इधर जो है यादव जी का रूम है। ये साइड में ये देखो यादव जी का रूम। ये देखो जो अभी बन के कंप्लीट नहीं हुआ, पता ना गार्डन है कि घर है क्या मालूम। देखो कबाड़ा बाड़ा फेंके हुए यादव जी। पावा हुआ बाहर पूरा फेंका हुआ है जो है। यहाँ पे देखो टमाटर का पेड़, ये देखो टमाटर का पेड़ है फ्रेंड लोग। ये देखो यादव जी काम करके आ रहे हैं। कौन काम करते रहते हैं? मैं इधर झाड़ू पोछा लगा रहा था। झाड़ू पोछा लगा रहा था, तेरा घर है क्या? नहीं नहीं हाँ, यही
रजिस्ट्री कराए हैं तुमको मालूम है। अच्छा यही खरीदे घर है, साफ सफाई करना यही जाने वाला है मटेरियल। लेकिन फील नहीं हो रहा है कि तुम्हारा घर है। अभी कुछ देर बाद मिलना ना, लाइफ स्टाइल अलग है, काम करने वाला वर्दी है। अच्छा काम करने वाला वर्दी है, जिसका इतना बड़ा घर रहता है ना वो नौकर रखा रहता है ना, ही अपने हाथ से नहीं करता है। यार ऐसी क्या बात है, अपने हाथ से काम करो ना। अच्छा सही बात है, नौकर गए हैं छुट्टी पे, ठीक है, बकरी ईद मनाने के लिए सफर पे गए। सही बात है, देख लो फ्रेंड लोग, यही सब खजूर उजूर लगी हुई है और यही देखो है जो है काम हम कर रहे हैं, जो है देख लो काम करना है। लाइक जो है शेयर सब्सक्राइब करते रहो और इनको सपोर्ट करते रहो ताकि रुपये छापा गरीबों को बांट सके।